विधानसभा चुनाव में भाजपा अपने हाईटेक चुनाव प्रचार में कोई कसर अब नहीं छोड़ना चाहती। इसी के तहत अब बीजेपी ने साइबर योद्धाओं को एक्टिव करने के लिए शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा के आईटी सेल की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की। इस बैठक को संबोधित करते हुए राजस्थान के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आज शहर और गाँव में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऐसे में विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। उन्होंने कहा कि अब प्रचार का एक अहम हिस्सा सोशल मीडिया भी बन गया है। जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस ने सोशल मीडिया को झूठ बोलने का जरिया बना लिया है, लेकिन जनता सब जानती है। बैठक को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने भी संबोधित किया। क्योंकि अब सोशल मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल चुनाव में भी हो रहा है, क्योंकि लोग व्हाट्सएप से जुड़े हैं, फेसबुक से जुड़े हैं, इंस्टाग्राम से जुड़े हैं और देहातों में भी व्हाट्सएप के मैसेज, एसएमएस, नमो ऐप देखने का एक प्रचलन बन गया है। और नरेंद्र मोदी ऐप तो ऐसा है कि जिसमें नरेंद्र मोदी जी आपसे खुद बोलते हैं, हमारा ऑडियो ब्रिज भी है। तो धीरे धीरे देखते देखते टेक्नोलॉजी के कारण प्रचार का एक बहुत अहम हिस्सा सोशल मीडिया के जरिए। वहीं 7 दिसंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में टिकट के दावेदारों का जमावड़ा लगा रहा। इस दौरान दावेदार कार्यकर्ता हाथ में बायोडाटा लेकर नेताओं के इंतजार में दिन भर मुख्यालय में जमे रहे। एक ओर जहां स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षा कुमारी शैलजा ने जयपुर में कांग्रेस के टिकटों पर फीडबैक लिया और चुनाव समिति के मेंबर्स से 1-to-1 चर्चा की, तो वहीं दिल्ली में टिकट दावेदारों ने प्रभारी अविनाश पांडे से मिलकर अपनी अपनी सिफारिश की। हालांकि इस भारी भीड़ में दावेदारों के साथ कुछ गुट ऐसे भी थे जो संभावित उम्मीदवार का टिकट कटवाने के प्रयास में लगे रहे। कांग्रेस पार्टी राजस्थान विधानसभा में टिकट बंटवारे के लिए किसी भी तरीके का मापदंड तय नहीं करेगी। कांग्रेस का एक ही मापदंड होगा और वो होगा जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। ये कहना है कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का। जयपुर में दिन भर चली कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद शैलजा ने पत्रकारों को बताया कि जीत ही टिकट का आधार है, युवाओं और महिलाओं को वरीयता इसमें दी जाएगी। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि वो किसी भी तरह के बायोडाटा एकत्रित करने के लिए यहां पर नहीं आई हैं। लोगों से राय जरूर उन्होंने जानी है, संगठन जिनके नाम तय करके भेजेगा उन पर चर्चा की जाएगी। इस बार कांग्रेस के पक्ष में माहौल होने के कारण बगावत का डर भी है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी सभी निर्णय सोच समझ कर करेगी। शैलजा से मिलने और अपनी दावेदारी जताने के लिए दिन भर लोगों का होटल्स के बाहर जमा उड़ा रहा। पहले भी हम कुछ मेंबर्स से मिले थे, लेकिन उस दिन टाइम कम होने के कारण मीटिंग के बाद कुछ से मिल पाए, तो हमने बाकी सब जो पीसी के हमारे सीनियर मेंबर्स हैं उनसे आज मुलाकात की है और उनके विचार जानने हैं, जो भी उन्होंने बताया यहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में, तो वो जायज़ा लिया हमने, तो आगे वो हमारे लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। मैम डिस्ट्रिक्ट वाइज लिया फीडबैक या पूरे स्टेट वाइज आप आपने पूछा है? नहीं, जो जहाँ की बताना चाह रहे हैं, जो जहाँ की बताना चाहें, बेशक एक बताना चाहें, बेशक दो सौ।